गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी अनदर टॉपिक ऑफ वर्टिब्रेट बायोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी ऑफ द स्कोलोडॉन। तो स्कोलोडॉन जो फिश है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, डॉग फिश, जिसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की हर एक चीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम इसके कुछ सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अबाउट इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज ये इसका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी होता क्या है? तो ये एक तरह का एक सेंस ऑर्गन है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करने वाला, पानी के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको सेंस करने वाला। दूसरी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक न्यूरोमास्ट ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है, और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये एक थर्मो रिसेप्टर है, यानी कि पानी के अंदर जो तापमान या टेम्परेचर की मात्रा है उसको सेंस करता है। ये जनरली एक तरह का जेली फिल्ड पोर्स है, यानी कि उसकी स्कोलोडॉन के अंदर एक जेली ऐसी पोर्स हैं या छिद्र हैं, जिसके अंदर क्या भरा है, जेली लाइक पदार्थ भरा हुआ है। और ये जो है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, किसकी खासियत है या किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्कोलोडॉन यानी कि जो भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, जैसे कि स्कोलोडॉन है, अदर शार्क हैं, उसका स्पेशल कैरेक्टर है, दूसरी किसी फिश में ये नहीं पाया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम अगर इसका देखें तो ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है जो कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करता है। और इसकी अगर हम बनावट की बात करें तो ये बना होता है जेली फील्ड कैनाल्स में, जो कि एक एम्पुला के रूप में होती है, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस पे, यानी कि फिश के सरफेस के ऊपर तो पोर की तरह खुल रहा है, और अंदर क्लस्टर में, यानी कि जो जैसे कि ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, उसका गुच्छे की तरह ये उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक जेली लाइक पदार्थ पाया जाता है, जो कि अक्सर उसकी बाहर की स्किन से निकलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी का कैसा है, तो सबसे पहले तो ये इसका एरिया, कौन से एरिया में ये फिश के पाया जाता है, तो ये जनरल जो फिश की स्नाउट है, यानी कि उसके नेजल नाक का एरिया है, उस एरिया में ये पाया जाता है, जो कि कहाँ खुलता है, उसकी हेड के, सिर के डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे, जो छोटे छोटे अपर्चर से छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। इस छिद्र के अंदर हम देखें तो एक म्यूकस फील्ड या जेली फील्ड ट्यूब होती है, जो कि स्किन के अंदर फर्दर टर्मिनेट होती है, यानी कि मिलती है किसके अंदर, 8 से 9 बल्ब लाइक चैम्बर्स के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुलरी सैक। और ये एम्पुलरी सैक एक चक्री की तरह रेडियली एक सेंट्रल कोर के आसपास अरेंज होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रम। तो ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट वाला है, ए पार्ट है, इसको हम कह रहे हैं इट इज़ अ कम्प्लीट एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ये सबसे पहला वाला जो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है किसका एग्जांपल, ये किसका डायग्राम है, कंप्लीट एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी की डायग्राम है। तो इसमें आपको दो एम्पुला दिख रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, तो ये आप बाहर जो है इसका वो क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है। दूसरा, एक्सटर्नल ओपनिंग के बाद एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको हम कह रहे हैं एम्पुलरी ट्यूब। और ये ट्यूब जो जाके खुलती है अंदर नीचे, किसके अंदर, 7 से 8 सैक्स लाइक सैक, यानी कि थैले छोटे छोटे, जिसको हम कह रहे हैं एम्पुलरी सैक। एम्पुलरी सैक का अगर हम टीएस देखें उसको काट के, तो ये इसका टीएस किस तरह का है, एक तरह से एक चक्र की तरह है। तो ये जो आपको आसपास दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इसका ल्यूमन है, और बीच में जिससे विभाजित है उसको हम कह रहे हैं सेप्टम, और उसके सेंटर में जो पाया जा रहा है एक गोल सा, उसको हम कह रहे हैं सेंट्रम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट आपको दिख रहा है जिसका टीएस, ये क्या है, इसका एम्पुलरी सैक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब एम्पुलरी सैक है, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से, तो ये किससे कनेक्टेड है, नर्व फाइबर से, यानी कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है।
और ये जो नर्वस सिस्टम में नर्व इसके अंदर पास हो रही है वो कौन सी है, सेवंथ क्रेनियल नर्व। फर्दर अगर हम इसका डिटेल देखें तो यहाँ पे इस कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही है, इसका पिट है यानी कि छिद्र है, उसके अंदर से क्या है रिसेप्टर सेल से, और दूसरी कौन सी इसके अंदर सपोर्टिंग सेल से, ये वाली। तो ये इसका हो गया एक जनरल स्ट्रक्चर एम्पुला लॉरेंजिनी का जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अगर इसका लाइव एग्जांपल ये लाइव अगर डायग्राम आप देखें कि इसकी सिचुएशन या पोजीशन एम्पुला ऑफ लॉरेंजी की फिश की बॉडी में कहाँ है और वो इंटरनली इनर व्यू इसका क्या है ओरिजिनल, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर वाला आप जो डायग्राम देख रहे हैं जो पोर्स ये सारा एरिया है इसका, यानी कि जो स्नाउट यानी कि हेड और उसके आसपास का एरिया उसमें किस तरह से ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजी आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी ये जो है पीछे जाता हुआ वो उसका लेटरल लाइन सिस्टम। इसका डिटेल इनर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसके नीचे वाले पार्ट में देख रहे हैं कि किस तरह से आपको गोल गोल इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जेली लाइक, जो कि अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये सारे इस तरह से, जो कि बाहर के साइड एक पोर से खुलते हैं जिससे म्यूकस या जो जेली लाइक पदार्थ है वो दबाने से उसके फिश के हेड से ऊपर बाहर हमें निकला हुआ दिखाई दे सकता है। तो कभी भी अगर आप स्कोलेटन फिश को पकड़ते हैं और इस एरिया को इसको प्रेस करते हैं दबाते हैं तो उस छेद में से या इन अपर्चर्स में से एक चिपचिपा सा म्यूकस उसमें से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये हुआ इसका एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, जिसका आपने स्ट्रक्चर देखा, जिसका आपने फंक्शन देखा, और ये इसका डिटेल टीएस और स्ट्रक्चर। So that's all for the today's lecture. Thank you so much.